Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. श्रीकांत त्यागी की पत्नी के संग मेरठ कमिश्नरी पर धरने पर बैठे त्यागी समाज के लोगों ने आज पुलिस व प्रशासन को अंतिम समय तक परेशानी में डाले रखा। दरअसल भीतर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे थे और बाहर त्यागी समाज के लोग जिंदाबाद व मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मेरठ कमिश्नरी के बाहर पुलिस दोनों के बीच में ही दीवार बनकर खड़ी थी। त्यागी समाज व भारतीय किसान यूनियन के नेता मांगेराम त्यागी ने धरने को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाया नहीं गया तो भूस भरा ही जाएगा। त्यागी समाज की चेतावनी और टकराव टालने की नीयत से पुलिस व प्रशासन ने प्रदेश के मुखिया को कमिश्नरी के दूसरे गेट से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रवाना कर दिया। इससे पहले पुलिस ऐसा दिखावा करती रही जैसे मुख्यमंत्री योगी मुख्य द्वार से अब निकले और तब निकले। इसके चलते त्यागी समाज लगातार नारेबाजी करता रह गया और मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय में पहुंच गए। नोएडा की ओमेक सोसाइटी का भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी पिछले दिनों एकाएक ही एक महिला से गाली गलौज करने की घटना को लेकर के सुर्खियों में आ गया था। मामला महिला से जुड़ा था, लिहाजा भाजपा ने तुरंत ही श्रीकांत त्यागी से यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि भाजपा का श्रीकांत से कोई लेना देना नहीं है। इस पर विपक्ष ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज नेताओं संग श्रीकांत के फोटो वायरल कर दिए। सोसाइटी में गुंडागर्दी बढ़ने पर भाजपा सांसद महेश शर्मा ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को घटना का हवाला देते हुए यहां तक कह डाला था कि उन्हें यह कहते हुए शर्म आ रही है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद त्यागी समाज उसके परिजनों के उत्पीड़न को लेकर आंदोलनरत है। इसे लेकर ही बीते दिवस से ही मुख्यमंत्री आगमन को देखते हुए मेरठ कमिश्नरी पर धरना शुरू किया गया था। पहले देखिए धरना स्थल का नजारा। उधर धरने को संबोधित करते हुए मांगेराम त्यागी ने यह कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी है, सरकार बनाए रखी, उन्हें घेरो खड़े पुलिस वाले, ठीक है। और भाई मेरा एक निवेदन है, LIU भी खड़ी है, पुलिस प्रशासन भी, भाई अब यह नगर पालिका के चुनाव आ रहे और सन 2024 के वहाँ भी घेर लेने को मैं भाजपा की वोट नहीं देनी। मुझे बहुत अच्छा व्यवहार पुलिस का लग रहा है, प्रशासन का, और भाई मैं सब धन्यवाद देना चाह रहा है, भाई यही काम कमजोर नगर पालिका चुनाव में 24 में करती हो। भाई रुको भाई, मारी तो ट्रको कमाल ट्रको में हद है, यानी के बिना पढ़े लिखे मेरे जैसे ये तो MP MLA बन गए और ये दिखे पढ़ पढ़ता है राज्य जो है इनकी पेंशन भी काट दो, इनकी तो पेंशन भी काट है, इन्हें पता नहीं तुम घर किस्ते में जाओगे, बच्चा बीमार पड़ा और ये नौकरी पर, बच्चा जो है स्कूल की फीस नहीं गई ये नौकरी पर, रिश्तेदारी में बढ़ोई अपने भाई जो भी आ ये नौकरी पर। मीडिया कर्मियों का हमें पूरा विश्वास है, मोदी जी का निर्णय योगी जी हमें क्या बाबा दे रहा, चरण सिंह
बहुत बढ़िया माहौल बनना पूरे देश में बन रहा बहुत बढ़िया माहौल बना दिया पुलिस वालों का कमाल कर दिया हम तेना धन्यवाद दे रहे इन्होंने अलग जगह दी जब कप्तान के बनने थी नवनो गांव में उड़ जाओ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।